शांति, पवित्रता की शक्ति ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति से संपन्न। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकना। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकना। इस महान शक्ति यानी पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति व व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान है, जो बड़ी अच्छी लगती है। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति में चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएंगी। परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतोप्रधान पवित्रता कितनी शक्तिशाली है। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है, जो पांव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता की शक्ति है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। यानी फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं रह सकते। और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, यानी निमित बनी हुई आत्माओं को और बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है। वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला तो लगा माया का गोला। बाप को भूलेंगे तो बाप धर्मराज के रूप में मिलेगा। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पद्म गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ कामजीत बनना यही पवित्रता की पूर्ण स्टेज नहीं है, लेकिन काम विकार का अंश हद की सर्व कामनाएं हैं। तो काम जीत अर्थात सर्व कामना जीत बनने से ही पवित्रता की शक्ति जमा होगी।
संपूर्ण पवित्र उन्हें कहा जाता है जो ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्माचारी बनते हैं। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के हर आचरण पर चलने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले बच्चों में पवित्रता की शक्ति आ जाती है। संपूर्ण पवित्र आत्माएं सदा सुख की सैया पर आराम से शांति स्वरूप में विराजमान रहती है। उनके मन में कभी भी क्यों, क्या और कैसे की उलझन उत्पन्न नहीं होती। सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। दिल से सच्चाई और सफाई को धारण करने वाले बच्चों में पवित्रता की शक्ति होती है। वे कभी मनमत व परमत पर अपने समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास व संकल्प को व्यर्थ तरफ नहीं गवा सकते। पवित्रता की सबसे बड़ी स्टेज है ऑनेस्ट रहना। ऑनेस्ट उन्हें कहा जाता है जो सदा सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं। संकल्प, बोल व कर्म द्वारा सदा निर्माण का कार्य करते हैं। वे हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। ऐसे ऑनेस्ट बच्चों का फाउंडेशन किसी भी बातों के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव व प्राप्तियों के आधार पर होता है। पवित्रता की शक्ति की अनुभूति तब होगी जब कभी व्यर्थ संकल्पों की हलचल ना हो। संकल्प में भी कभी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। मस्तक पर सदा भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति का तिलक चमकता रहे। जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखो, रूह को देखने का अभ्यास हो। होंठों पर प्रभु प्राप्ति और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान हो। चेहरे पर मात पिता व श्रेष्ठ परिवार से मिलने के सुख की लाली हो। वाणी में सदा महान बन, महान बनाने के बोल हो। सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता हो। पवित्रता की शक्ति जमा करने के लिए सदा यह स्लोगन याद रखो कि ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है। देहधारी के प्रति सोचना व संकल्प करना बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना बुरा है। इसलिए हर आत्मा को सदा त्यागी, तपस्वी की दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। हर एक के प्रति सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो। जिस संबंध की आकर्षण पवित्रता में बाधक बनती है, उसी संबंध की रसना एक बाप से लेने का अनुभव करो। बाप से सर्व संबंधों में रस व स्नेह का अनुभव होने से वृत्ति दृष्टि में अपवित्रता आ नहीं सकती। पवित्रता की महानता। पवित्रता की शक्ति धारण करने से सदा परम पूज्य बन जाते हो। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हो। पवित्रता की शक्ति
विचारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हो। पवित्रता पिलर्स हैं जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। पवित्रता की शक्ति धारण करने के लिए योग अभ्यास। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ। मैं माइट हूँ। मैं अपने स्वरूप में पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ। मैं परम धाम में अखंड ज्योति तत्व में निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, कर्मातीत हूँ, मुक्त हूँ। प्यारे शिव बाबा, आपने हमें पवित्रता का अनमोल वरदान देकर धन्य धन्य कर दिया है। मैं आप पर बलिहार हूँ, न्योछावर हूँ। शिव बाबा, आप परम पावन हैं और पतित पावन हैं। आप पवित्रता का वरदान देने वाले हैं। आपने मुझे भी अब पवित्रता का वरदान देने के निमित्त बना दिया है। मैं आधार मूरत हूँ। मैं उद्धार मूरत हूँ। मैं मास्टर पतित पावन हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपनी पवित्रता के वाइब्रेशन से प्रकृति को पवित्र कर रही हूँ। लाइट और माइट पवित्रता और प्रकाश की किरणें मुझ पर उतर कर और मुझसे निकल निकल कर फैल रही है। मैं लाइट हूँ। मैं शुद्ध हूँ। इस प्रकार आप रोज
पवित्रता की शक्ति का योग अभ्यास ज़रूर करें। ओम शांति।